हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने पास? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ आउटडोर पेशेंट इन द डिफरेंट हॉस्पिटल। इफ द मीन इज 18, देन फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट दिए, नंबर ऑफ हॉस्पिटल दिए, ओके। ये मिसिंग है, हमें एफ निकालना है। तो देखिए, काम करते हैं, फटाफट टेबल बना लेते हैं अपनी, फिर उसके बाद निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ पेशेंट, इसे हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स आई। ठीक है, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना डायरेक्टली, क्यों इतना मेहनत करके लिखना। देखो, ये अपने सामने क्या हो जाएगा, एक्स आई, और ये अपने सामने क्या हो जाएगा, एफ आई, मतलब डाटा, और ये क्या हो जाएगा अपने सामने, फ्रिक्वेंसी। अब देखो, हमको अच्छे से पता है कि हम लोगों को इसका क्या करना पड़ता है, आधा। तो पहले जोड़ेंगे, देखो इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 24, और हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12। ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 28, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। दो दो का डिफरेंस चल रहा है, 18, 20। लास्ट वाला देख लेते कितना आने वाला है, 48, 24, मतलब 24 तक जाना है हम लोगों को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 7, 6, एफ 13, फिर अगले वाले कितनी लिखी है, 20, फिर कितनी लिखी है, 5, फिर कितनी हो जाएगी, 4। अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई, ओके। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 × 7 कितना हो जाता है अपने पास, 84। 14 × 6 कितना हो जाएगा अपने सामने, 84, ओके। अब 16 × f कितना हो जाएगा अपने पास, 16f। 18 × 13 यहां पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 18 × 13 का तीन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। 1 से करेंगे, ये ऐड करेंगे, 234। 20 × 20 400, इसको इससे करेंगे तो 110, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। अब देखो, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें से क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो पहले एफ आई को ऐड कर लेते हैं और फिर किसको ऐड कर लेते हैं अपने पास, इसको। तो देखो, 7 × 6 = 13, 13 × 13 = 26, 26 × 20 = 46, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, 45। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 13, 26, 46 और 9 ऐड करेंगे, 55 आएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 55 प्लस एफ, ओके। अब इसे ऐड कर लेते हैं फटाक से, तो ये ऐड करें कितना हो जाएगा अपने सामने, 168। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों ऐड कर लेते हैं अपने सामने तो कितना हो जाएगा अपने पास, 6, 3, 4। इन दोनों को लिख लेते हैं अपने पास, 110, ये कितना हो जाएगा, 96, ओके। ऐड कर लेते हैं कितना आ जाएगा अपने पास, 18 का ये, 6, 7, 10, 10 और 10, 20, 2 कितना हो जाएगा, 3, 9, 10, 1, 0, 8 प्लस कितना आएगा अपने सामने। अब देखो, इसके बाद हम लोग के पास क्या होता है, मीन का फॉर्मूला। क्या होता है मीन का फॉर्मूला अपने पास, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में कितना होता है अपने पास, सिग्मा का एफ आई। अब देखो, इसका तुमने मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिख ही लिया है, यहां पे इसको ऐड करके लिख लिया हम लोगों ने, अब एक्स बार की वैल्यू। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मीन देखो हम लोग को देके रखा है, कितना देके रखा है, देखो क्वेश्चन में मीन की वैल्यू 18, तो हमारे सामने मीन की वैल्यू 18 देके रखी है, तो उसको भी पुट कर लेते हैं हम लोग। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 18 × 55 प्लस 18f। क्लियर है? देखो, अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 18 × 55। 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाता है, 90, तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 990।
राइट। अब अगर 990 है तो इसको यहां लिख लेते अपने पास। अब देखो एक काम करते हैं, 16F को इधर ले आते हैं हम लोग, इसको इस साइड भेजते और इन दोनों को माइनस। कितना आ जाएगा हमारे पास 18, राइट। अब 18 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 2F, तो इसको देखो कट करेंगे तो F का आंसर हमारे सामने कितना निकल के आ जाएगा 9, यानी जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है 9।